स्वागत है हमारे इस पहले ब्लॉग में। ये मेरा पहला ब्लॉग है और इस ब्लॉग में मैं दिखाऊंगा, इस समय फिलहाल में मैं आया हूँ प्रयागराज। कई सालों से प्रयागराज हूँ, यहाँ पे ही पढ़ाई स्टडी चलती है, साथ में अपने अकेले रहता हूँ और खाना वाना सब बनाना अपने पड़ता है, बाकी खाना बनाना, पढ़ना लिखना, यानी सोचिए सब, यानी जो मेल फीमेल दोनों वाला वर्क होता है खुद स्वयं मैं करता हूँ। यानी जो घर पे लड़कियाँ होती हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं वो लोग, और सेम वही प्रोसीजर मेरा भी है, झाड़ू लगाना, बर्तन धुलना, खाना बनाना, इसके बाद पढ़ना लिखना और ए टू जेड वर्क करना। तो इस वीडियोस के अंतर्गत, इस ब्लॉग के अंतर्गत मैं बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे इलाहाबाद में के लोग रहते हैं। तो आप लोग इस नए ब्लॉग को जरूर लाइक कीजिएगा, न कि बड़े ही ब्लॉगरों को जैसे आपका सौरभ जोशी हो गया और तमाम प्रकार के ब्लॉगर हैं, आपके फ्लाइंग बीस्ट है, उन्हीं को सपोर्ट कीजिए। ये छोटे से ब्लॉग के रिलेटेड मैं बताऊंगा, जितने भी स्टूडेंट हैं जो घर से बाहर रहते हैं कैसे रहते हैं, कितने मेहनत करते हैं। तो सुबह का हो गया है समथिंग 10 बज चुका है और रात भर नियर अबाउट 3 बजे मैं जाकर सोया हूँ। स्टडी अभी जो मेरी ऐसे ही सब पड़ी है और रात का जो खाना बना था तहरी बनी थी, तो ऐसा ही कुकर यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुकर ऐसा ही पड़ा है, अभी उसको धुलना है, इसके बाद तो फिर जो वर्क करना है आगे चल के मैं दिखाऊंगा। और हाँ, आप लोग मेरा लटकने वाला जो देखे हैं तो ऐसा कभी मैं नहीं कर सकता, जो लटका हूँ उसके लिए भी लटका था, किस लिए, तो ऊपर मेरी पटनी पे चावल रखा था सुबह चावल, अब जो है खाना बनाने जा रहा हूँ, बर्तन धुलकर जस्ट खाना बनाना है तो उसके लिए चावल ऊपर से उतारा, ऊपर फेंक देता हूँ चावल तो वैसे पड़ा रहता है। और इधर छोटा सा मेरा किचन है, ये है आपका स्टडी टेबल, और फिलहाल में गर्मी हो रही है क्योंकि फैन बंद है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ फटाक से कैसे यहाँ पे कितने स्ट्रगल करते हैं और कितने स्ट्रगल करने चाहिए। इधर जो मेरा तमाम प्रकार के मैप पड़े हैं, मैप बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है, जो खासकर जगह होती है तुरंत अपना देख लीजिए। इधर जो आपका पॉलिटी यानी संविधान का है, कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी पड़ा है, बाकी सब यही सब जो मेरा रूम है, जो बाकी दैनिक जीवन में, यानी ये मेरा रूम जो है 10x15 का ऐसे ही होगा, 10x15 फीट का, और इसी में टोटल वर्क हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रात को बना था तहरी, अभी तक ये बर्तन ऐसे ही पड़ा है और रात में ही बना था, यानी खाने खाने के बाद 2 बजे, नियर अबाउट 1 से 2 बजे चाय बनाया था, तो वैसे अभी वो भी पड़ा, उसे भी धुलना है, और सुबह का कोई नाश्ता नहीं हुआ है। और ये मेरा जो किचन रूम कह सकते हैं, इधर जो है आपकी पड़ी है जितनी भी टोटल बुक्स हैं, ये है स्टडी रूम्स, ये है आपका वेट रूम कह सकते हैं, यानी यहीं पे सोना, बाकी टोटल यही सब है। चलिए मैं फटाक से धुलता हूँ। नाश्ता वैसे खासकर हम लोग का होता नहीं है, लेकिन 2-3 दिन पहले मैंने अनार सस्ता मिला था 70 रुपये में 1.5 किलो, तो वही परचेज कर लिया था और एक चौथा दिन इसे यानी खा रहा हूँ। तो सबसे पहले अनार को मैं काटता कैसा हूँ ये भी देख लीजिए, ऐसे चारी और आप दागी लगा लेंगे जैसे फ्रूट्स वाले होते हैं, आपका दागी लगे बीच से चाकू से प्रेस कीजिए, अब इसका जो है आपका अनार ऐसे फट जाता है, ठीक है। जैसे ही फटे देन इस जो है चाकू नाइफ के पीछे के वाला हिस्सा से आप फोड़िए, देखिए आपका पूरा अनार। नाश्ता करने जा रहा हूँ, वैसे तो खासकर नाश्ता हम लोग का दाले चावल से होता है, दाल चावल चोखा से, लेकिन आज जो है बचा था अनार, वैसे सस्ता मिला था तो ले लिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं थालिए में जो है, देखिए परिस्थितियाँ जो है आपको क्या कुछ नहीं करा देती, घर का था मैं राजा जी, राजा साहब था घर का, लेकिन यहाँ पे खुद का नौकर बन चुका हूँ, और कभी थाली, कभी कढ़ाई, कभी कुकर इत्यादि में आप काम चल जाता है, यानी जितने कम से कम बर्तन यूज किया जाता है, क्योंकि खुद धुलना पड़ता है बर्तन, तो जो मिला उसमें ही काम चलाना पड़ता है। और नाश्ता के बाद देन 2 घंटे पढ़ना है, इसके बाद जो है खाना बनेगा, फिर इसके बाद चावल दाल, वैसे तो वैसे एक ही अनर में काम चलाना पड़ रहा है और बाकी अलग चीज़ें हैं, तो भी बर्तन भी धुलना पड़ा है उसको, अभी ऐसे ही पानी पे। सबसे गंदा काम यही लगता है बर्तन धुलना, सबसे गंदा काम है, बाकी सब तो लगता है लेकिन बर्तन धुलने के इतना भी नहीं लगता है, तो खासकर अपना ही बर्तन था, किसी और का नहीं। बर्तन तो धुल गया, अब जो है खाना बनाने की बारी है, तो फटाक से खाना बनाने में उतना दिन का समय नहीं लगता है, बहुत ही कम समय लगता है, तो आइए दिखाता हूं मैं क्या बनाता हूं सुबह में। गया इतना सा दाल, इतना दाल एनफ होता है, दाल आसान होता है यही बनाना। देन इसके अंदर मैं लोटा डाला, अब लोटा डाला क्यों डाला आप लोग समझ सकते हैं,
जो लोग देखे होंगे पहले मेरा वीडियोस, और जो लोग नहीं देखे हैं आज देख लें। और एक गिलास चावल, बहुत छोटा वाला गिलास है, तो इतना चावल बहुत ही इनफ है मेरे लिए, खासकर अकेले के लिए। तब इसे धुल कर लाता हूँ, इसके बाद दिन आगे का प्रोसेस चलेगा। यहाँ पे दाल धुल कर ला दिया हूँ, तो इसमें थोड़ा सा मैं हल्दी डालता हूँ, ये गया नमक। अब इसके अंदर जो है मैं लोटे में जो चावल धुला हूँ उसे डाल दिया। इसके बाद देखिएगा चार सीटी बाद इस, जो आप लोग सोच रहे हैं एकदम नहीं होगा, यानी दाल चावल एक में मिलेगा नहीं, सब अलग रहेगा। लेकिन एक लिमिट इसकी होती है कि अगर आपका लोटा है तो चार भाग में एक भाग चावल रहना चाहिए, इसके बाद दाल आपका लिमिट में रहना चाहिए, नहीं तो दाल। सुबह का खाना बनाने में बहुत आसानी होता है, बस कुकर में डाल दीजिए, कुकर चार पाँच सीटी मारेगा आपका हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ बात बता देना चाहता हूँ आप लोग को, जो लोग घर पे रहते हैं और सोचते हैं कि लड़का इलाहाबाद गया है, खूब मज़े कर रहा होगा, खूब ऐश कर रहा होगा, तो सब ऐस मैंने दिखा दिया कितना ऐसा है, यानी घर के आप हम ही खुद हैं, घर के राजा साहब हैं, यहाँ पे अपना खुद अपना नौकर बनते हैं, नौकरों वाली फीलिंग आती है, यानी जो काम नहीं करना पड़ता है वो भी अपने ही करना होता है, सब कुछ घर पे जाओ तो बस चुपचाप जाओ, खाना खाओ, खाना में भी अगर कमी है तो उसको भी दो चार बातें बोल दो घर पे, तू काट दो, लेकिन यहाँ पे जो बन जाता है चाहे नमक ज़्यादा हो चाहे कुछ हो तो बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। लाइफ क्या होती है यहाँ पे आने के बाद पता चला है, और जो लोग कहते हैं कि गया है इलाहाबाद या प्रयागराज गया है तो खूब ऐश कर रहा होगा, तो इतने ऐश है, जब आ जाएंगे तो कब दिन आ जाता है, कब सुबह हो जाती है, कब शाम हो जाता है, कब रात हो जाती है, ये कुछ पता नहीं चलता है। और तो जो लटका था मैं वही देखकर आप लोग आए होंगे कि यानी मेरी मौत का तमाशा देखने, तो ऐसा नहीं है, कभी ऐसा नहीं किया जाएगा। ये सब काम बहुत ही वैसे कर लेते हैं लोग, बहुत आए दिन प्रयागराज में आए दिन हर हफ्ते या 15 दिन महीने के अंदर एक दो ऐसी कांड सुनाई दे देती है कि बच्चे सब हतोत्साहित होकर लड़के सब कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, लेकिन देन आफ्टर वो पछताने के सवाल कुछ नहीं रहता है। घर वाले और ये सब माँ बाप भेजते हैं आपके पढ़ाई सपना साकार करने के, लेकिन आप यहाँ पे आगे कुछ और कदम। यही देखता हूँ कि आप लोग बस जितने भी बड़े ब्लॉगर हैं उन लोगों को ज़्यादा समय देते हैं, कुछ छोटे लोगों का भी आप लोग एक्सपेक्ट यानी कुछ उनकी भी मदद कर दिया कीजिए, ऐसा ना हो कि बस जो बड़े हैं जैसे आपका दो चार ब्लॉगर इतने बड़े हैं कि वो नंबर वन पे इंडिया। यहाँ पे देखिए अब जो है रेडी हो चुका एकदम करेक्ट, दाल चावल दोनों एक साथ, इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए ब्लॉग में, कोई नई जो अपनी दैनिक जीवन के दिनचर्या में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, सबको मेरा सलाम, जय हिंद जय भारत।